आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास टेंथ के बायोलॉजी में कैसे अपना फुल कमांड रखे और कैसे एग्जाम में 100 out of 100 स्कोर कर पाए बायोलॉजी सब्जेक्ट में। देखो यार, साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इजी हो जाता है और बायोलॉजी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की वजह से या फिर याद करने की वजह से कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी में कैसे कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट में यार सबसे पहले चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कितने चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में है यार 6 chapters। 6 chapters हैं हमारे बायोलॉजी में। सबसे पहला था लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी के लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी यार कि आप लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल मतलब खा जाओ, रट जाओ। एनसीईआरटी भगवान यार बाइबल बुक है, उसको थरो हो जाओ। एक एक प्रोसेस, एक एक चैप्टर्स, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करो, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादा चांसेस होता है कि बुक के अंदर से कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, राइट। और एनसीईआरटी का जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी। उस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर का बेसिकली 5 parts होता है। 5 parts है उस चैप्टर में। पहले जैसे न्यूट्रिशन है, देन रेस्पिरेशन है, उस टाइप से करके 5 parts आते हैं। एक एक पार्ट को आप क्या करो, नोट्स रेडी करो, खुद का नोट्स, अपने से बुक से देख रहे हो, अपने से लिख रहे हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करो एनसीईआरटी से। उसका हेल्प क्या होगा कि जैसे एग्जाम के टाइम में पूरा बुक ना रीड करके अपने नोट्स आप बस पढ़ के चले जाओगे तो बहुत हेल्पफुल होगा फर्स्ट चैप्टर के लिए। अगर उसमें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। जैसे एसचंद मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एसचंद मैंने यूज किया था, तो अभी एसचंद यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा अभी एग्जाम आइडिया सैंपल पेपर मैंने कोई भी नाम नहीं लिया सबका, अभी सिर्फ एनसीईआरटी। और अगर कोई रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हो तो रेफरेंस बुक फर्स्ट चैप्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही लेंदी चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर। हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में भी पार्ट्स हैं। देखो यार, नॉर्मली जितने भी बायोलॉजी में पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें सारे में पार्ट बाय पार्ट ही है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि डायरेक्टली एक बार में थ्योरी स्टार्ट हो और खत्म, नहीं, सारे में पार्ट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें भी पार्ट्स है, ह्यूमंस का अलग है, ब्रेन वाला पार्ट अलग है, ठीक है। तो इसमें भी आपको नोट्स जरूरत पड़ेगा, नोट्स जरूरत पड़ेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करना, उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, एक एक पैराग्राफ रेड होना चाहिए, उसमें एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, उन सबको करके जाना है, ठीक है। समझने में प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स आप अपने कोई रेफरेंस बुक को फॉलो करो, सैम्पल पेपर वो कुछ नहीं, अभी सिर्फ खुद के नोट्स बना लेने पार्ट बाय पार्ट, एनसीईआरटी रीड कर लिया, रेफरेंस बुक को एक बार अच्छे से थरो हो गए, डेफिनेशन याद कर लिया वहां से अच्छे से, हो गया, वो होगा हमारे तरफ से एक बार ये चैप्टर खत्म। फर्स्ट रिविजन है, फर्स्ट राउंड रिविजन चल रहा है। थर्ड चैप्टर यार, थर्ड आर एनवायरमेंट, मतलब इसके बाद बेसिकली चैप्टर हाउ टू ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस। लेकिन पढ़ाया स्कूल में सबसे पहले आर एनवायरमेंट जाता है और लास्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों चैप्टर पूरे बायोलॉजी में सबसे इजिएस्ट चैप्टर है, जिसका वेटेज बहुत कम है और बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो इस दोनों चैप्टर को आपको सबसे पहले एनसीईआरटी मैंने सबके लिए बोला एनसीईआरटी फॉलो कर लो। एनसीईआरटी एक बार रीड आउट हो गया, ठीक है। जैसे लास्ट वाले चैप्टर में है गंगा एक्शन प्लान वाला, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, फूड वेब, ये वाला पार्ट, ये सारा एनसीईआरटी से कम पार्ट है, छोटा है, तो एनसीईआरटी से तुरंत हो जाएगा, ओके। अगर आपको प्रॉपर डिफाइन याद करना है, जैसे डायरेक्ट में एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फूड वेब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 1 mark में, तो आपको अगर एनसीईआरटी से डिफाइन नहीं याद करना या फिर कुछ रेफरेंस बुक के, और अगर 1 mark में आपको कुछ एक्सप्लेन करके अच्छे से 2-3 lines में लिखना, तो आप रेफरेंस बुक फॉलो करो। वो हो गया हमारा, नोट्स प्रिपेयर हो गया। नोट्स यहाँ पे किस चीज में बनाएंगे, नोट्स यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, देन वहां पे एके बैनर्जी वाला पार्ट है, देन खेजरी ट्री वाला, खिजराली विलेज वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स आएंगे एनसीईआरटी अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो। इन सबका शॉर्ट शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रख लेना है, बिकॉज डायरेक्टली 4-4 marks में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। एनसीईआरटी प्रायोरिटी हो गया, रेफरेंस बुक से आपने अपने हिसाब से रीड आउट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब क्या करें, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, 1 round रिविजन अभी सारे चैप्टर्स का चल रहा है। और ये कब तक खत्म करना है, प्री बोर्ड से पहले तक ये सब खत्म होना चाहिए, बिकॉज प्री बोर्ड में भी हमें अच्छा से स्कोर करना है। बायोलॉजी अगर आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर, एटलीस्ट आपको बायोलॉजी को नहीं भी तो 4-5 बार रिवाइज होना चाहिए एग्जाम देने, बोर्ड एग्जाम से पहले 5 बार बायोलॉजी रिवाइज होना चाहिए, ये टारगेट अभी से लेकर चलना है, ठीक है। हो गया हमारा ये दोनों लास्ट का चैप्टर, अब कौन सा चैप्टर बच रहा है, अब हमारा हाउ टू ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये दोनों बेसिकली थोड़ा टफ चैप्टर है, फर्स्ट वाला तो फिर भी इजी, लेकिन हेरिडिटी और इवोल्यूशन थोड़ा टफ चैप्टर है, बिकॉज ये बहुत लास्ट में कवर किया जाता है, लास्ट की वजह से क्या होता है, हम उसको बहुत अच्छे से मतलब रीड नहीं कर पाते या फिर उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते। तो सबसे पहले हाउ डू ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस, इस वाले चैप्टर में क्या करना है, इसमें भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का नोट्स, बिकॉज इस चैप्टर समझने में तो फिर भी ठीक है, बट रिटन प्रैक्टिस इस चैप्टर का अच्छे से होना चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट कर लेना,
एस्टर्न या फिर रेफरेंस बुक कोई भी फॉलो कर रहे हो उसमें से आप नोट्स बनाओ, बिकॉज इस चैप्टर में हो सकता है एनसीईआरटी पूरे अच्छे से नहीं कवर कर पाए, तो आपको ये रेफरेंस बुक का नोट्स बना लो। सारे चैप्टर का मेरे हिसाब से आपने नोट्स अब तक प्रिपेयर कर लिया। हेरिडिटी इवोल्यूशन, इस चैप्टर में क्या होगा, ये बहुत एंड में कवर होता है, इसको आपको टारगेट रखना है प्री बोर्ड से पहले आप एटलीस्ट अपने रेफरेंस बुक से या फिर रीड आउट करके कंप्लीट करो और नोट्स बना लो। बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, कुछ क्रॉस होता है जो फर्स्ट जनरेशन एफ1 जनरेशन प्रोजेनी वगैरह, देन मेंडल का सारा जितना लॉज है वो सबको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंडरस्टैंडिंग में। टेंशन नहीं लेना है, मैं सब डाल दूंगी नोट्स के, सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में लास्ट टाइम प्रॉब्लम होगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में, इसमें क्या करें, एनसीईआरटी रीड कर लो, ठीक है। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत फोकस करना है। इस चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना, बिकॉज बहुत मैटर करेगा इस चैप्टर में। आप हर क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे, ये बहुत लेंदी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत टाइम लेगा ये कवर करने में। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रायोरिटी दोगे इस चैप्टर से, कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितना याद है वो याद हो जाए, फिर टाइम बच रहा है तो सब कुछ करेंगे, सब कुछ 100% करके देंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हो गया। ये हमारा फर्स्ट राउंड रिविजन हो गया सारे चैप्टर्स का, खत्म। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रेफरेंस बुक से देख लिया, सब कुछ हो गया। अब बच रहा है हमारा, ये काम हो गया प्री बोर्ड्स के पहले तक, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी वाला पार्ट। उसके बाद जो छुट्टी मिल रहा है, अब जितना नोट्स आपने प्रिपेयर किया उस सारे नोट्स से थरो होना, 2 से 3 बार अपने नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो यार सबसे पहले। फिर आप लोग सैंपल पेपर खरीदना, सैंपल पेपर साइंस का लोगे तो उसमें ऑफकोर्स सब कुछ मिक्स होगा, लेकिन मैं प्रोवाइड कर दूंगी यार कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में एक अलग अलग पार्ट बाय पार्ट, बायोलॉजी का कितना आया, फिजिक्स का कितना, केमिस्ट्री का कितना, तो बायोलॉजी के लिए मैं ऑफकोर्स आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो वो सॉल्व करना। अपना नोट्स आपने पढ़ लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब अगर आपके पास टाइम है या फिर अगर जितना एक्टिविटीज, एक बार एक्टिविटीज जितना है बायोलॉजी बुक से, एक्टिविटीज को एक एक करके रीड आउट करना है। एनसीईआरटी एग्जाम से थोड़े दिन पहले आपको एनसीईआरटी लेना है, एनसीईआरटी को लाइक स्टोरी टाइप एक एक लाइन आपको रीड करो, अंडरलाइन करो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आपने सब कुछ याद कर लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया, सब कुछ डन है, अब क्या टाइम बच रहा है, अब बस एनसीईआरटी हल मतलब स्टोरी टाइप बस उसको रीड करो। वो बायोलॉजी में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह रहता नहीं, पूरा स्टोरी रहता है, उसको अच्छे से रीड आउट करना है, वो हो गया। अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपका रिविजन हो गया, सब कुछ हो गया। देखो यार ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो बायोलॉजी में, बिलीव मी बायोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। एग्जाम आइडिया मैंने प्रेफर नहीं किया, बिकॉज आपके रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, देन सैंपल पेपर जो आएगा, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने के लिए एनफ होता है, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई एग्जाम आइडिया को फॉलो करने का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये ऑफकोर्स मैं प्रोवाइड करूंगी या फिर आप जहां से भी लो, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप मेरे हिसाब से फॉलो करते हो तो ऑफकोर्स आपको बायोलॉजी में, मतलब साइंस सब्जेक्ट में, बायोलॉजी वाले पार्ट में आपका 100 out of 100 स्कोर हो। अब फिर फिजिक्स का और केमिस्ट्री के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, तो चलिए यार आज की वीडियो में यहीं तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।